गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार तड़के बड़ा हादसा हुआ। शहर में स्थित श्रेय अस्पताल में आग लग गई। श्रेय अस्पताल को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए डेडिकेट किया गया है। ये आग आईसीयू में लगी और देखते ही देखते आग ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। आग की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत भी हो गई है। फिलहाल बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। वहीं श्रेय अस्पताल में यह हादसा सुबह करीब 3:15 पर हुआ। हादसे की खबर पर तुरंत दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम भी श्रेय अस्पताल पहुंच गई। आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि फोरेंसिक विभाग की टीम जांच में जुट गई है कि आखिर आग के पीछे की असल वजह क्या रही। एडमिटेड थे कोरोना ट्रीटमेंट के लिए और अचानक से आग लगते ही 8 लोगों में से 7 लोगों की सफोकेशन से मौत हुई है और एक बर्न इंजरीज की वजह से हुए। प्राथमिक कारण क्या है फायर का, वो FSL टीम अभी सैंपल लेके अपना रिपोर्ट देगी। पुलिस ने अभी एक्सीडेंटल डेथ के तरीके से केस रजिस्टर किया है और आगे की कार्यवाही चालू है। सर, बाकी के लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है उनके पेशेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, लोग जो हैं चिंतित हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो। फायर सेफ्टी, फायर डिपार्टमेंट भी हाजिर है, इसलिए जो भी कंप्लायंस रिपोर्ट, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ये वो सब अभी जो बॉडी का इंक्वेस्ट और वो सब चालू है और उसके बाद फायर डिपार्टमेंट और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अंदर जाएगा, क्योंकि कोरोना वार्ड है इसलिए सैनिटाइज भी करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी कार्यवाही शुरू होगी। पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल करते ही रजिस्टर करके कार्यवाही चालू करी। नहीं, वो अब फायर डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट आएगा उसके ऊपर से पता लगेगा। सर, खास करके जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक्चुअली वो हॉस्पिटल अथॉरिटी से इन्फॉर्म करने को आ रहा है, इवन कॉर्पोरेशन की टीम भी इन्फॉर्म कर रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे समय उनको मिल रहा है और सबको पता लग गया है अभी तक। क्या लापरवाही तौर कार्रवाई की जाएगी? FSL और फायर डिपार्टमेंट का जो भी रिपोर्ट आएगा और लापरवाही ध्यान पे आएगी तो हम FIR रजिस्टर करेंगे एज पर द इंडियन पेनल कोड। सर, रूल किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन या इसके जो मालिक है उन किसी को पूछताछ के लिए ले गया हो? अभी हम यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और जो बॉडी आइडेंटिफिकेशन और इंक्वेस्ट जो हमारा कार्यवाही है वो शुरू कर रहे हैं हम। बाद में लेटर ऑन वी वुड बी इंट्रोगेटिंग और मींस आस्किंग द अथॉरिटीज। ओके, तो फर्स्ट ही हाल अजय रवि।